तो फाइनली गाइज यार, मुझे कुछ दिन पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आया था और गूगल एडसेंस में मैं गया तो वहां पर मुझे एक्शन बटन भी मिल चुका था। बट मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे एक्शन बटन तो मिल गया था लेकिन यार मेरे पास कोई भी वोटर आईडी नहीं थी, कोई भी मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जो उसमें लगता है, वोटर आईडी, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड। फिर भी मैंने यार कैसे किया यार, बहुत ज़्यादा मतलब जिस दिन आया था थोड़ी तो खुशी थी और थोड़ा यार परेशान भी हो गया, मतलब ये आ गया है मैं इसे करूँगा कैसे। और गाइस यार एक तरफ माइंड में ये भी चल रहा था कि यार अभी अगर हम अप्लाई करते हैं पैन कार्ड के लिए तो मैं विलेज में रहता हूँ, यहाँ आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है पैन कार्ड तो ये एक्शन बटन चला जाएगा कि नहीं सारा, यार मतलब बहुत परेशान हो गया था। फिर भी मैंने आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारा कुछ प्रोसेस करके कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैंने अपना जो गूगल एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो कैसे किया था। और गाइस बहुत सारे क्वेश्चन का हल आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक एम 200 है, जल्दी से पूरा कर देना। तो गाइस मेरा नाम है सुख और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अब मैं आपको इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको इसे वेरिफिकेशन कैसे करना है अपने पैन कार्ड से, ठीक है, जिससे भी आप करना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल एडसेंस के अंदर, उससे ठीक है, फिर आपको यहाँ पर एक एक्शन बटन का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको ये जो बेल आइकन है इस पर क्लिक करना है, आपको दिख जाएगा अगर मिला होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये एक्शन बटन जो है आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक करते ही गाइस यहाँ पर कुछ दूसरा पेज आपके सामने आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर लोडिंग चल रही है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसा पेज देखने को मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, आपको इस वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप करोगे तो यहाँ पर फिर से लोडिंग चलेगी, एक अलग से पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से पेज ओपन होगा, यहाँ पर आप चार डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो, चार में से एक, तो कौन कौन सा है, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आई डी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड से करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उससे कर लीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट लगाने के लिए आपको एक अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने ये फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है वहाँ पर जाइए, अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट निकाल लेता हूँ अभी, ये स्क्रीनशॉट, और ये मेरा है पैन कार्ड, आप देख सकते हैं ये मैंने पैन कार्ड यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने अपना पैन कार्ड का PNG है वो लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, बस सिंपल सा यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये आ जाएगा। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह हुआ नहीं, ठीक, आराम से आपको इसमें बस ये पूछ रहा है कि मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं पर ब्लर तो नहीं है, कहीं आसपास जब आपने क्रॉप किया तो वहाँ पर ज़्यादा तो नहीं कट गया, बस ये पूछ रहा है। अगर आपका ठीक ठाक है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट एनी वे का, ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप सबमिट एनीवे पर क्लिक करोगे आपके सामने वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस का आ जाएगा, मतलब ये अभी प्रोग्रेस में रहेगा, कुछ टाइम बाद आपका ये हो जाएगा। कभी कभी जल्दी हो जाता है, किसी में टाइम लग सकता है, बट 24 घंटे के अंदर आ जाता है रिप्लाई, ठीक है। तो आप आगे वीडियो में जाएंगे और देखेंगे इसका रिप्लाई क्या आता है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जब पैन कार्ड से वेरिफिकेशन किया तो मुझे उसका रिप्लाई क्या आता है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा अपनी जीमेल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 सितंबर को मैंने किया था आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर रिप्लाई आया था यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, मतलब ये मेरा वहाँ पर वेरीफाई नहीं हो पाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रीजन लिखा हुआ यू आइडेंटिटी सॉरी योर आइडेंटिटी और नॉट बी वेरीफाइड फॉलोइंग द रीजन, ये रीजन बता रहा था कि आपका जो पैन कार्ड है उसमें कुछ दिक्कत है, इसकी वजह से आपका नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे दोबारा से किया था, उसमें हो गया था। तो गाइस बहुत ही जल्द मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, बहुत ही जल्द आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। गाइस यार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।